विंटर टाइड फिल्म सेट है फ्यूचर कनाडा में, जहां सूरज की रोशनी की कमी के कारण सभी तरफ अंधेरा छाया होता है, कहीं भी सनलाइट नहीं होती, जिसके वजह से अधिकांश आबादी डिप्रेशन की शिकार होकर एक तरह के जोबी बन गए होते हैं, जिन्हें स्ट्रेज कहा जाता है। यह जोबी जब भी बिजली के पास होते हैं, तब वे बिजली में गड़बड़ पैदा करते हैं। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए और डिप्रेशन से बचने के लिए सरकार लोगों को सोलर ग्लाइसलिन नाम की दवाई लेने की सलाह देती है। फिल्म के शुरुआत में हमें बेथ नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो एक ऑचर का काम करती है, जिसका काम होता है कि अपने एरिया में जो भी व्यक्ति स्ट्रेज यानी जोम्बी बन जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना, और फिर पुलिस आकर उन जोम्बी को पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसके साथ साथ बेथ अपने लापता पिता को भी ढूंढ रही होती है। बेथ को नींद में हमेशा कुछ डरावने सपने आते रहते हैं, जहां वो अपने ही एक स्ट्रेज वाले रूप को देखती है और उसे हमेशा अपने आसपास मौजूद होने का एहसास होता रहता है। अगले दिन बेथ अपने एरिया में पेट्रोलिंग का काम कर रही होती है, तभी उसे एक जोम्बी दिखाई देता है। पुलिस को कॉल करने के बाद उसे पता चलता है कि पुलिस को आने में थोड़ी देर लगने वाली है, और फिर वे बेथ को उस जोम्बी पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में वो जोम्बी आगे जाने लगता है, तब बेथ उस पर नज़र रखने के लिए उसका पीछा करती है, और आगे जाते ही वो जोम्बी उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ बेथ के पिता आकर बेथ को उस जोम्बी से बचाते है, और जैसे ही बेथ को पता चलता है कि वे उसके पिता है, तब उसके पिता वहाँ से भाग जाते है। बेथ भी उनका पीछा करती है, पर वे उसे नहीं मिलते। पर अब बेथ खुश होती है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। बेथ सरकार ने बताई हुई मेडिसिन लेने से इनकार करती है। उसका मानना होता है कि वे दवाएं काम नहीं करती, क्योंकि उसकी माँ दवाई ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह जोम्बी बन गई। बेथ को ऐसा लगता था कि वह अन्य लोगों से अलग है और वह इस बीमारी से इम्यून है, उसे किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं। एक दिन बेथ एक क्लब में जाती है, जहां उसे तबीता नाम की लड़की मिलती है। उसके बाद दोनों साथ रात बिताते हैं, और जब वो रात में सो रही होती है, तब उसे एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें उसके जैसी दिखने वाली लड़की तबीता को किस करके उसकी सोल खींच लेती है। अगले दिन बेथ जब नींद से जाग जाती है, तब उसे पता चलता है कि तबीता एक जोम्बी बन गई है। तब बेथ नाराज होकर पुलिस को फोन करके तबीता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। सिमिलरली आगे बेथ एक रात डेरेक नाम के लड़के के साथ रात बिताती है, और फिर इस रात में भी उसे सेम सपना आता है, जहां बेथ खुद अपने एक स्ट्रेज में बदलते देखा और डेरेक को किस करके उसके सोल को खींच लेते देखा। फिर अगली सुबह डेरेक भी जोम्बी बन जाता है। बेथ नोटिस करती है कि तबीता और डेरेक दोनों के शरीर पर अजीब निशान थे, जिससे पता चलता है कि वे संक्रमित हो गए थे। पहले तो बेथ को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि उसके साथ एक रात बिताने के बाद वो व्यक्ति जोम्बी में बदल जाता है। आगे जब जेसन बेथ के साथ रात बिताता है, तब उसका भी यही हाल होता है। आगे बेथ अपने पिता एरिक को दूर के एक सुनसान बिल्डिंग में ढूंढ लेती है। फिर अपने पिता से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता में भी उसकी तरह लोगों को जोम्बी में बदलने की ताकत थी, इसलिए वे लोगों से अलग होकर दूर सुनसान जगह पर अकेले रहते थे। तब बेथ को पता चलता है कि वह अपने सपनों के माध्यम से स्ट्रेज से जुड़ी हुई थी, और यदि वह उन्हें स्ट्रेज में बदल सकती है, तो वह प्रभाव को उल्टा भी कर सकती है। अगले दिन बेथ अपने फ्रेंड नैटली को अपने साथ रुकने के लिए कहती है, और फिर जब दोनों सो रही होती है, तब बेथ जैसे दिखने वाली घोस्ट नैटली का सोल खींचने की कोशिश करती है। यह देख बेथ नैटली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें नैटली आधी पजेस हो चुकी होती है और वो घर से भाग जाती है। उसी शहर में टॉम नाम का एक डॉक्टर इस बीमारी पर रिसर्च कर रहा होता है। जब उसे बेथ ही लोगों के जोम्बी बनने का कारण है यह पता चलता है, तब वो सोचती है कि अगर उसने बेथ को मार डाला तो सब कुछ रुक जाएगा। टॉम बेथ को मारने का प्रयास करता है, पर तभी बेथ की फ्रेंड नैटली जोम्बी बन जाती है और टॉम को मारती है, जिसकी वजह से बेथ बच जाती है। नेटली टॉम से हॉस्पिटल की की लेकर सभी जोम्बीज को आज़ाद कर देती है। जब बेथ को समझ में आता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तब वो नींद की गोलियाँ खाती है और सो जाती है। तब वहाँ वे सारे जोम्बी आ जाते हैं, पर इस बार बेथ अपने सपने में किसी के सोल को लेने के अलावा वो उन्हें उनका सोल वापस कर देती है।
जिसके वजह से फिल्म के एंड में बेथ, डेरेक, जोश और अन्य लोगों ज़ोंबी से वापस इंसान बन जाते हैं और इसी पे फिल्म ख़त्म होती है।